कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी गेमर। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। मेरे को पता है ये इंट्रो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को कोई और इंट्रो मिल भी नहीं रहा था। मैं प्रैक्टिस में मैंने अभी ट्राई किया था, मुझे प्रैक्टिस से तो नहीं हो पाता। मतलब प्रैक्टिस में तो मैंने कर लिया था, लेकिन ईजी मोड में मुश्किल लग रहा है। मैंने पहले भी किया था इजी मोड में बहुत के साथ, लेकिन उसमें तो एस्केप हो गया था डे वन पे ही। कोई बात मानता ही नहीं है मेरी। मैंने डे वन पे हेलीकॉप्टर एस्केप किया था। तो गाइस अगली वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, पहले ही आए खेलूँगा मैं हैप्पी व्हील, उसके बाद आएगी क्रिटिकल ऑप्स, क्योंकि मेरे को बहुत सारे सजेस्ट आए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा सजेस्ट आए थे ग्रैनी चैप्टर 2 के लिए। ग्लास फ्यूज मिल गया, मैं ट्राई करूँगा हेलीकॉप्टर एस्केप, वो भी चल के देखते हैं ऊपर। नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पे आवाज़ क्रिएट करते हैं, दादा दादी आएंगे, जिसको भी आना होगा भाग के आएगा, वहाँ निकल जाएगा। बहुत तेज़ आ रहा है जो भी आ रहा है दौड़। ओ भाई दोनों भाई बहुत अच्छा काम कर रही है। अबे गया मैं, ओ बच गया, वाव क्या उल्लू बनाया मैंने उन दोनों को। अभी पहले हमें स्टन गन ढूंढनी होगी। यार मेरे को इतना डर लगता है ना, मैंने पता नहीं कैसे एस्केप कर लिया। एक बार से स्टन गन आ गई ना हाथ में। अबे यार किस्मत खराब, स्टन गन ऊपर ही हो गया। अब देखते हैं, ओ भाई ओ ग्रैनी भागो। तो गाइस आपको पता नहीं होगा मैं हालत मेरी अभी क्या चल रही है। हेलीकॉप्टर मैन उठा लेते हैं। यार स्टन गन नहीं मिली, ओ नो शिट मैन, स्टन गन नहीं मिली। यार अब क्या करूं, स्टन गन नहीं मिली, मेन तो स्टन गन ही है अपने। अब यार यार अब कुछ कर भी नहीं सकता, स्टन गन नहीं मिली तो। स्टन गन की लोकेशंस क्या है? पहले मेरे को सारी जगह एक होती है वहाँ वाला जो ड्रॉ जो भी है, एक होती है माइक्रोवेव, एक होता है वहाँ नीचे जहाँ पे वो कीड़ा मकोड़ा रहता है ग्रैनी का पेट, और एक होती है और यहाँ पे होता है, और जो अभी यहाँ पे रेंच पड़ा हुआ है, और बाकी क्रोबार की जगह, बाकी जगह क्रोबार से ही खुलती है, और वो दो बॉक्स होते हैं तो वहीं पे रखा होगा अब तो मैं श्योर हूँ। और उसके लिए क्रोबार ढूँढना पड़ेगा, और अभी मेरी इतनी अच्छी हालत नहीं है कि मैं क्रोबार ढूँढने जाऊँ। पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, अभी मैंने बड़े दिन से गेम खेली नहीं है। आखिरी बार मैंने गेम खेली थी करीब 16-17 अप्रैल करके ऐसे ही दिन था कुछ, और मैंने आखिरी बार तभी ये गेम खोली थी जब नाइटमेयर मोड आया था। वो मैंने पहले वीडियो डाली भी थी, लेकिन फिर मैंने डिलीट भी कर दी, क्योंकि उसमें बहुत वो लैग कर रहा था, बहुत उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने उसको वीडियो को डिलीट भी कर ही दिया आखिरी में। और अभी कह भी क्या सकते हैं, पर वेपन की मिल सकती है अभी आराम से। मैं करूँ क्या अभी, तो मैं यही सोच रहा हूँ। बैठ के नीचे चुप कोई आ रहा है क्या, मैं करूँ तो करूँ क्या अभी।
यार मैं सोच में पड़ गया अभी, कुछ कर भी नहीं सकता यार मेरे को कुछ, मतलब इस गेम के बारे में अभी मैं इतनी नॉलेज मेरी जितनी थी सारी उजड़ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कल कि एस्केप कैसे करते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स पता नहीं मेरे पे अप्लाई ही नहीं। मैं अभी डरा हुआ हूँ। अब यार चलो मरते ही हैं अभी ग्रैनी से। मैंने अगर वेपन के यहाँ पे हो गए ना काम हो गया बस। ओ भाई साहब, हम ग्रैनी को बुलाते हैं पहले। उबे भाग भाई, ये ग्रैनी आ गई, भागो भागो। मुझको अगर ग्रैनी और ग्रैंडपा बस एक बार ही मर गए ना, उनका मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। नो नो ग्रैनी, आई डू वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक। अभी वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था, घर में इतना हाइड एंड सीक खेल खेल के बोर हो गया, तो अभी मेरे को हाइड एंड सीक खेलना नहीं है। भाई साहब चलो भाई भागो भागो, अंदर आ गए। बहुत ही अच्छा शॉटगन मिल गए ना। चलो दादी, अभी हम दादी को उड़ाने वाले हैं इससे। चलो दादी आप आइए, भागी भागी, हमें आपको मारना पड़ेगा। सॉरी, ओहो थोड़े दे भाई, दादे को बुलाना पड़ेगा अब। इन दद्दे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अभी। यहाँ पे आराम से खड़ा हो जाता हूँ, दिखेगा उड़ा देंगे उसको। यार कोई टेक्निक भी तो नहीं होती ना दादा को बुलाने की। पहले तो था कि ग्रैनी मरती थी तो दादा भी आ जाता था, अब तो दादी मरती है दादा खुश होता है, नाचता है कि अरे ग्रैनी मर गए चलो नाचो। ग्रैनी ग्रैंडपा आ जा, ग्रैनी गायब भी हो गई भाई। दादा आ जा दे भाई, दादा आ जा। ओहो हियर आई एम दादा, डिड यू सी मी, बाय। अभी हम इसके गले से सिक्योरिटी की उठानी है और हमें अपना सारा काम। यार फ्री फायर खेलने की आदत हो गई, तू दबाते हैं तो मतलब भागते हैं ना इससे, इसमें भी अब वही आदत हो गई। पहले सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर लूँ साथ में, ये मैं पहले इसको उठाना है, अंदर डालना है, और कहाँ चीज़ें हैं। अरे पहले वहाँ को छोड़ते हैं ऊपर को, अभी यहाँ पे एक पीस होगा, बहुत अच्छा हमें मतलब सारे पीस मिल चुके हैं। अभी टाइम कितना हुआ होगा वैसे ग्रैनी को, 1.5 मिनट या आधा मिनट हुआ होगा, नहीं आधा मिनट तो नहीं, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। गाइस पहले मेरे को सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी, मेन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जब टास्क होता है ना मेन सारी चीज़ें उठाने का, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें नीचे ग्लास फ्यूज़ मिला था तो अभी हमें ग्लास फ्यूज़ लाना होगा। अभी हेलीकॉप्टर की मिल जाएगी, अभी पहले गैसोलीन और डक टेप ढूंढते हैं।
चलो कुछ नहीं मिला भैया, कुछ तो मिल गया। अरे हट, नीचे से पहले ग्लास फ्यूज लेके आ जाते हैं, और शॉर्ट गन है ही अपने पास तो हम ऊपर सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे, और फिर जितना हो जाएगा ऊपर तक हम उतना कर लेंगे, और फिर हमें एस्केप करने की पूरी हमें मतलब गैसोलीन वो सब चाहिए। हम दादी को बुलाएंगे, उसको मार देंगे, सिंपल सी बात है। अभी ग्रैनी को मरे हुए पूरा टाइम नहीं हुआ होगा, तो हम मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। अभी सारी चीज़ों को मैं ऊपर रख दूँगा, और फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे मेन। बाद में मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को मार दूँगा, लेकिन अभी वो जिंदा भी हो गई। ओ नो यार, मैं ग्रैनी क्या, मैंने सुना है ग्रैनी की आवाज़ अभी। है तो ग्रैनी को अभी, अब मैं दोनों को मार के ही जाऊंगा सीधे। देखो यार पहले, ओहो दोनों इतनी जल्दी जिंदा। ओ भाई, ओ नो भाई, इसे कहते हैं प्रोनेस। इसको ऊपर उठा के एक बार ऊपर ही रख देते हैं शॉटगन को। भाई अभी मैं बहुत मतलब क्या समझ गया भाई, अब ये क्या कहूँ अब मैं भाई, अभी बहुत बुरी हालत हो रखी है मेरी। मैंने कलेक्ट सारी चीज़ मैं कर लेता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे को डर बहुत लगता है। मुझे कोई फिल्म नहीं देख, मतलब मैं बहुत सारी हॉरर फिल्म देख लेता हूँ, मतलब जिसमें कॉमेडी होती है, लेकिन बहुत सारी हॉरर मतलब हॉरर एनिमल जैसी फिल्म या कॉन्ज्यूरिंग 2 जैसी वैसी मैं नहीं देख पाता, क्योंकि पता नहीं मेरे को बहुत डर लगता है। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या मिलता है। ओ फट, बोट स्टेयरिंग व्हील मिला है, बहुत घटिया सी बात है। शॉटगन ऊपर लेंगे, कोई बात। ओ डक्ट टेप, तो अभी मतलब हमें गैसोलीन चाहिए, और वो चाहिए। मैंने शॉटगन कहाँ ड्रॉप की थी, यहीं कहीं तो थी, अरे ऊपर है। हाँ चलो पहले हम सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर रख देंगे तो बहुत आसान हो जाएगी गेम फिर। ओ गैसोलीन, गिव मी दैट। तो मेरे को बस ढूंढना है हेलीकॉप्टर की, मेरे को पता चल गया कहाँ है। आई नो सारा काम हो चुका है, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि वहाँ होगी कि नहीं, लेकिन चांसेस हैं बहुत। 100% तो नहीं कह सकता मैं। इस गेट को खोल देते हैं, आने में बड़ी आसानी होगी। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ओ ये बाय ग्रैनी, तुम्हारा काम ख़त्म। मैं डे 1 पे एस्केप कर रहा हूँ दादा दादी। गैसोलीन भी मिल चुका है, अब बेचारे दादा दादी बेचारा बन के रह जाएंगे, उनका हेलीकॉप्टर लेके मैं भाग जाऊँगा। मैंने ऐसे ही खेला था जो जब किसी ने बिलीव नहीं किया। चलो लगाओ। ओके तो ये मारो दादा दादी को। चलो गाइस फाइनली एस्केप। मैं सच बोलो मैंने ऐसे ही एस्केप किया था, मैंने सारी चीज़ें पहले नीचे रखी फिर ऊपर रखी कि अब हमें शॉटगन उठानी है। अरे मेन यूज़ तो ग्लास यूज़ का पहले नहीं था, मैंने ये एक वीडियो देखी थी, उसमें ट्रिक थी कि बिना ग्लास यूज़ के कैसे रख सकते हैं, लेकिन अब वो ट्रिक बिल्कुल काम नहीं करने वाली। मैंने बहुत टाइम उस बार ट्राई किया था, और मैं वहाँ बहुत टाइम वहाँ पे मर गया था। थोड़ा नीचे, हाँ एक गया है, दूसरी रिलोड कर लो। यार हम इसको थोड़ी ज़्यादा निकाल लेते हैं, ताकि जब ये एमो गायब हो ना। चलो
तो हम अभी उठा लेते हैं, शॉटगन ड्रॉप्ड। तो चलो अभी हम उठाते हैं ये। गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही लाउड हो गई है। चलिए लगा दो, चलो हेलीकॉप्टर। ओके, पहले मैं ये उठाना है, इसको पहले फ्यूल को डालते हैं, मज़ा आएगा। उसको नीचे फेंक देंगे, डक टेप को तो फेंक नहीं सकते। बाय यार, आदत हो गई फ्री फायर में ऐसे करने की, बार बार ऐसे झुकने की। चलो पहले हम वो डक टेप को कर लेते हैं काम। ये पंखा है क्या है ये, पेपर का बना हुआ है क्या? इसको हम ऐसे ठीक करते हैं, टेप भी एकदम मूरी तोड़ी है। चलो बाय ग्रैनी। ओ नीचे है वो, ओ भाई के ग्रैंडपा, वो मैं देख रहा है शायद, नहीं देख रहा। चलो हमें क्या, अब हमें एस्केप ही करना है। बाय ग्रैनी, बाय ग्रैंडपा, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में मिलेंगे या कभी नहीं मिलेंगे। गाइस मैंने जी हाँ मैंने एस्केप कर दिया। अभी हम देखते हैं, अभी हम इनके ऊपर चढ़ा के जाएंगे। ये सबसे बुरी बात है, ये चढ़ा के नहीं जाता, ऐसा लग रहा है ऑटो चला रहा है, इतना हिल रहा है। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ ग्रैनी चैप्टर 2। अगर आप इसके और भी एपिसोड्स चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, संडे को मेरे भाई की तरफ से कॉल ऑफ ड्यूटी की वीडियो आने वाली है, तो मैंने बता दिया। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।